एक और बड़े चेहरे को जोड़ लेते हैं सीबीसी आवाज पर। हमारे साथ सौरभ मुखर्जी, मासिलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर जुड़ गए हैं। सौरभ, स्वागत है आपका सीबीसी आवाज पर। पहले तो ये बताइए, आप आज पीएम मोदी से क्या सुनना चाहेंगे? ये जो हम सबको उम्मीद है कि लॉकडाउन मिडल ऑफ अप्रैल में खत्म की जाएगी, लेकिन हम सबको थोड़ा डर भी है कि उसके बाद जो दो हफ्ते आएंगे उसमें एक केओस की संभावना है। बिकॉज सारे कंपनीज चाहते हैं कि अपना प्रोडक्शन रीस्टार्ट करें, सब कस्टमर्स अपने सप्लायर को बोलेंगे तुरंत मेरे को सप्लाई चाहिए, तो वो केओस की जो पॉसिबिलिटी है, केओस की जो संभावना है, उसको रोकने की एक ज़रूरत है। सो होपफुली प्रधानमंत्री जी आज जो घोषणा करेंगे उससे एक स्टैगर्ड तरीके से, एक संतुलित तरीके से इस लॉकडाउन को उठाया जाएगा अगले 3-4 हफ्ते में। और अगर वो सुनने को मिले तो काफ़ी 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 कंफर्ट मिलेगा पूरे देश को, बिकॉज सबका काम करने की ज़रूरत है सबको, लेकिन केओस को अवॉइड करने की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो सर, ऐसे मार्केट में करना क्या चाहिए हमारे दर्शकों को? खरीदने चाहिए अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स धीरे धीरे, या इंतजार करना चाहिए? और क्या रेंज आप देख रहे हैं मार्केट के लिए आगे आने वाले समय के लिए? हमारे जो टेक्निकल पैनल पर गेस्ट हैं वो ये कह रहे हैं 8000 नीचे में, 9000 ऊपर में, इस रेंज में जनरली मार्केट बिहेव करेगा कुछ दिन, और शायद मिड कैप्स आउट परफॉर्म करें। आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, जो ऐसे माहौल में टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है तो उसको तो सलामी देनी चाहिए। कमाल का टेक्निकल एनालिसिस होगा ऐसे माहौल में जहाँ पे दुनिया में एक इतना बड़ा रोग फैल रहा है। रही बात कौन से स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, जैसे मैंने आपके चैनल में लास्ट 2-3 हफ्ते पहले बोला था, 2-3 महीने पहले भी बोला था, अगर हम फार्मा हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में फोकस करें, डिवीज लैब जिसकी प्रोडक्शन में कोई रोक आई नहीं है, डिवीज लैब दुनिया का 2/3 पेन किलर सप्लाई करता है, 40% कॉफ सिरप का API सप्लाई करता है, उसके साथ साथ नेस्ले के जैसे स्टॉक देखें, इंडिया का 97% बेबी मिल्क पाउडर नेस्ले प्रोड्यूस करता है, 27 मार्च से फैक्ट्री फिर से चालू हो गई इनकी, डॉक्टर लाल पैथ लैब देखें, कोविड टेस्टिंग शुरू होने वाली है वहाँ पे 1100 रुपये में, जो माई लैब्स की पुणे वाली टेस्टिंग है शुरू होने वाली है। अगर हम इस प्रकार के स्टॉक देखें जहाँ पे सब कुछ एक कंफर्ट भी है कि इन कंपनीज के प्रोडक्ट की बेहद ज़रूरत है और साथ ही साथ कंपनी का धंधा भी चल रहा है, तो स्टॉक खरीदना भी आसान हो जाता है, अपना संयम बना के रखना भी आसान हो जाता है। सो डिवीज लैब, नेस्ले, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसके साथ मैं जोड़ सकता हूँ एबर्ट लेबोरेटरीज इन इंडिया, राइट, ये 4 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। मैंने आई थिंक 2-3 महीने से लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि पकड़ के रखें, मेरे ख्याल से शांति से बैठे रहें, इन पर अच्छा पैसा बनेगा। उसके अलावा जैसे आप अपने पिछले गेस्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, HDFC बैंक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन पे FII सेलिंग आई है, बिकॉज FII पैनिक में है, FII का जो US में हो रहा है उसकी वजह से वो पैनिक में है, बट FII पैनिक रुक जाएगी, जब रुक जाएगी ये स्टॉक डबल हो जाएंगे 2-3 साल में, तो ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे कंपनी को लेके बैठ के रहें। और अगर आप हर रोज़ मार्केट को देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा, अच्छे कंपनी को लेके बैठ के रहें। ऐसे माहौल में भी जो लास्ट 3 महीने का माहौल है, वैसे माहौल में हमारा जो पोर्टफोलियो, जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार का पोर्टफोलियो, हमारा पोर्टफोलियो डाउन है 15% इस ऐसे प्रकार के माहौल में, तो सोचिए कितना स्ट्रेंथ रहता है अगर इस प्रकार का क्वालिटी का पोर्टफोलियो रहे, अच्छा पोर्टफोलियो बना के जो अगले 1-1.5 महीने का पीरियड है उसको झेल लीजिए। अगर पोर्टफोलियो जितना होगा उतना ही आप इस बाजार की मार को झेल पाएंगे और उतनी जल्दी रिकवरी दिखा पाएंगे। एक जगह जहां पर थोड़ी सी रिकवरी आना शुरू हो रही है सौरभ, उस पर भसीन साहब के भी हम राय ले रहे थे कि कच्चे तेल में जो बयान आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि सऊदी अरब और रशिया के बीच जो डिफरेंसेस है वो एक तरफ करके प्रोडक्शन कट पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। क्या जो होप रैली देखने को मिली है कच्चे तेल में कल के सत्र में और आज सुबह में, उस पर आप भरोसा करना चाहेंगे, और इसका फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत के लिए क्या उभर कर आ सकता है?
देखिए अर्शदा, तेल का जो मामला है वो बहुत पॉलिटिसाइज्ड रहा है बराबर, और आज के माहौल में तो कोविड के माहौल में तेल बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड अफेयर है। घाट ट्रंप सऊदी के रूलर को कब फोन लगाते हैं, सऊदी के रूलर का रशिया के प्रेसिडेंट के साथ कैसा इक्वेशन है, उससे तेल का भाव नाच रहा है। उसको हमारे जैसे लोगों के लिए उसको समझना, उससे पैसा बनाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। इससे कई ज़्यादा आसान है कि नेस्ले जैसे स्टॉक को खरीद के मैं बैठ के शांति से कमाऊं, और थोड़ा सा अगर मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी बनानी है लाइफ में, एक कोटक बैंक या HDFC बैंक जैसे फर्स्ट क्लास बैंक को लेके मैं शांति से बैठ के इस पे मैं अगले 1-1.5 साल में पैसा कमाऊं। तेल जैसा पॉलिटिसाइज चीज मेरे लिए थोड़ा सा रिकमेंड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है बाप, और ट्रंप साहब क्या ट्वीट करें, उनका मूड कैसा हो ये तो गेस करना बहुत मुश्किल काम है। तो बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स, नेस्ले, मैगी हम सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं, किटकैट कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए कंजम्पशन वाले स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इवन एक्चुअल ने बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन देखिए दिखाया है। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो सौरभ जी आपको बता रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए। करीब करीब 4-4.5 मिनट बचे हैं शेयर बाजार भी खुलने के लिए, और वो ट्रंप साहब का बयान भी, माफ कीजिएगा पीएम मोदी साहब का बयान भी, माफ कीजिएगा पीएम मोदी साहब का बयान भी सुनने के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है सौरभ जी? देखिए जो एक्सपेक्टेशन जो बोल रहा था कि अगर प्रधानमंत्री बोले कि अगले 2-3-4 हफ्ते में इंडिया का रिटर्न टू वर्क, इंडिया का इकोनॉमी खोलने का पूरा जो जो एक एक, एक प्रोग्राम सा बना के सरकार अगर पेश करे तो मजा आ जाए। जो अखबार में पढ़ने को मिल रहा है कि सरकार ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट्स पे छोड़ेगी, ठीक है, वो भी अगर हो जाए तो वो घोषणा भी काफ़ी अच्छी रहेगी। एक चीज़ में जो मेरे को लग रहा है होगा कि 15-16 अप्रैल से जब फिर से कारोबार शुरू होगा हिंदुस्तान में, एक मार्केट में उछाल आने की मेरे को लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि क्लाइंट्स को, नए निवेशकों को साइन अप करना लास्ट 2 हफ्ते में बहुत मुश्किल हो गया है। सिग्नेचर लेना, डॉक्यूमेंटेशन का इधर उधर कुरियर करना मुश्किल हो गया है। जब बहुत भारी बैकलॉग ऑफ क्लाइंटेल मेरे को दिख रही है, अगर हमारे लिए है तो मेरे ख्याल से दूसरे फंड हाउसेस के लिए भी ऐसा ही बैकलॉग होगा। वो पूरा का पूरा बैकलॉग का पैसा, जो पेंट अप डिमांड है, वो पैसा मेरे ख्याल से अप्रैल के लास्ट 2 हफ्ते में मार्केट को हिट करेगा। तो एक मेरे को लग रहा है कि अगर हम 16-17 अप्रैल को लॉकडाउन से मुंबई बाहर आ जाए, सडनली एक डोमेस्टिक पैसा मार्केट में आने की संभावना मेरे को लग रही है काफी हाई है। क्या आपको लग रहा है बीटन डाउन आइडियाज पर भी कुछ नजरें रहेंगी लोगों की? आप देखिए ऑटो कंपनियों का क्या हाल हुआ है, मेटल स्टॉक्स की हालत हमने देखी है, क्या बीटन डाउन ट्रेड्स में आप कुछ इस समय देखना चाहेंगे या फिर जितना दूर रहे उनसे उतना बेहतर है? कुछ ऐसे चीजें हैं जो कंप्लीटली अवॉइड करनी है शायद अगले एक क्वार्टर के लिए? इससे हिस्टोरिक जो क्राइसिस रहे इंडिया में, इससे काफ़ी अच्छा क्लू मिलता है। हम अगर 2003-04 का रिकवरी देखें हिंदुस्तान में, या 2009 का रिकवरी देखें, रिकवरी के पहले एक साल में जो क्लासिकल कंपाउंडर्स है, एशियन प्रेम्स, पीडेलाइट प्रकार के, रिकवरी के पहले एक साल में क्लासिकल कंपाउंडर्स बेहद अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। एक स्टॉक मार्केट में जब बुल रन 2-3 साल पुराना हो जाता है, 2-3 साल मच्योर हो जाता है, तब निवेशक हाई बीटा ब्रोकन बैलेंस शीट कंपनीज की तरफ मूव करते हैं। लेकिन रिकवरी के जो अर्ली स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल शुरुआत की स्टेज होती है, उसमें क्लासिकल कंपाउंडर HDFC बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, नेस्ले, इस प्रकार के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। 2000 और 2008 के क्राइसिस के बाद जो रिकवरी आई थी, दोनों में मैंने पैटर्न नहीं देखा है। मेरे ख्याल से पैटर्न फिर से दोहराएगा, और अगर विदेशी पैसा वापस आया इंडिया में मई जून के महीनों में, तो ये पैटर्न तो जबरदस्त दोहराएगा कि जो कंपनीज, जो हाई क्वालिटी कंपाउंडर जो पिट चुके हैं, कोटक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इनकी रैली मेरे ख्याल से जबरदस्त हो सकती है। संभावना मेरे ख्याल से काफी ऊंची है इसकी। और देखिए ये वो काउंटडाउन है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, इसको ही रखते हैं आप स्क्रीन पर। देखिए 1 मिनट से कम का